पब मस्त है ओवरऑल, पहले से बहुत मतलब एस आर के आया है एंड एज यू कैन सी एस आर के फैन सुपर्ब। यस सलमान इज प्लस फैक्टर, उसके वजह से और बहुत कुछ होगा एंड पब्लिक विल एक्चुअली गो फॉर सलमान ऑल्सो, शी वॉज सो हॉट सीरियसली, थैंक यू। 5 पठान कैसे लगी आपको? अरे फैंटास्टिक, बहुत मजा आया। अरे पूरा पूरा लाइक टोटल टोल धमाल, बहुत मजा आया। स्टोरी में सलमान भाई भी हैं। हाँ सब मतलब बहुत सब कुछ आप देखोगे तो मजा आएगा यार, आई डोंट थिंक यू शुड मिस इट, परफेक्ट है, मजा आया सब जगह। सारे मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें मजा नहीं आया, मैं पूरा स्टार्टिंग टू एंड आई वाज इन इट। अरे देखो यार, मैं बोलूंगा देखो सबको, आप लोग भी बोलो सबको देखो, मजा आया। 5 5 5 पठान कैसे लगे सर आपको? पठान बहुत एक्सपेक्ट कर आया था, बट मुझे लगता है मोर ऑन करिश्मा लेस ऑफ कंटेंट थी बहुत। मुझे तो टाइगर जिंदा है की बहुत याद आ रही थी, उसमें जिस टाइप से टाइगर और जोया को दिखाते हैं उस सीरीज की यहाँ पे मुझे बहुत याद आ रही थी। और मैं कहूँगा कि स्टाइलिंग बहुत ज़्यादा है, एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, पर जो स्टोरी है ओवरऑल जो कंटेंट है डायलॉग्स हैं वो मुझे बहुत वीक लगे। मैं जितना एक्सपेक्ट कर आया था उतनी मेरे लिए मायने में खरी नहीं उतरी है, पर मैं देख रहा था ऑडियंस को अंदर काफ़ी मज़ा आ रहा था। बहुत टाइम बाद शाहरुख को भी देखा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ कैमियो भी था, तो बहुत अच्छी फीलिंग आई है लोगों को। मेरे लिए काफ़ी डिसेंट वन टाइम वॉच है। एंट्री ठीक ही थी, देखिए अब दोनों में दिखता है कि दोनों जो है एक दूसरे की फिल्मों में कैमियो करने लगे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक दो बार ठीक लगता है, बट उसके बाद वो थोड़ा सा अब एक टाइप से बोरिंग भी होने लग जाता है। यहाँ का कैमियो जो है अच्छा लगा दोनों को साथ में देख के, बट ऐसा कोई स्टोरी वाइज या तो फिर वो फीलिंग वाइज कोई बहुत एड अप करने वाला नहीं था, बट वो एक थ्रिल फैक्टर के लिए था जो ऑडियंस को पसंद आएगा उस चीज़ के लिए है। दोनों का फेस ऑफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जॉन अब्राहम जो है काफ़ी फिट लग रहे हैं, काफ़ी विलेनस अवतार में अच्छे लग रहे हैं और उनको काफ़ी टाइम बाद हमने देखा है। पिछली हमने उनकी परमाणु देखी थी जहाँ पे वो उतने नहीं जमे, बट यहाँ पे वो फिर भी काफ़ी करिश्मेटिक लग रहे हैं, काफ़ी फिट लग रहे हैं और शाहरुख खान के अगेंस्ट जो है एक बहुत अच्छे विलेन के उसमें दिख रहे हैं हमें पूरी फिल्म में। दीपिका ने अब तक काम बहुत अच्छे से किया है, वो शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर और यहाँ पे जो उनका कैरेक्टराइजेशन है, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जो एक्सप्रेशन है, वो उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया है, तो उनका काम बहुत ही अच्छा है। 2 स्टार। मैं पठान मूवी देखकर आया हूँ और सबसे पहले मैं थैंक्सफुल कहना चाहता हूँ उन लोगों को जिन लोगों ने इस मूवी के लिए कॉन्ट्रोवर्सी किया, एंड थैंक यू सो मच, उनकी वजह से ये जो मूवी है ना सुपर डुपर हिट जाने वाली है। That's it. अभी आपने कहा सुपर डुपर हिट जाने वाली है, जाहिर सी बात है स्टोरी बहुत अच्छी होगी। स्टोरी भी बहुत अच्छी है और सिर्फ स्टोरी ही नहीं, इसके अलावा इसमें सीक्वेंस जो फाइटिंग सीक्वेंस है ये सबसे ज़बरदस्त है और देश को लेकर कुछ चीज़ें बताई गई है उसमें, जो मतलब वायरस की वजह से कुछ चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था उसको सॉल्व किया गया है, तो ये मूवी ऑब्वियसली बातें लेवल पे जाने वाला है। सीनरी के बारे में क्या कहेंगे इसको? इंडिया के बाहर बहुत जगह अच्छी-अच्छी जगह बहुत अच्छी जगह पे शूट ही नहीं किया गया बल्कि ये बहुत अच्छे लेवल पे रिलीज भी हुआ है और इंडिया का पहला मूवी है जो बुर्ज खलीफा जैसे जगह पे इसका प्रीमियर किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच शाहरुख भाई, और शाहरुख सर के बारे में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, यू आर अ बिग पर्सन इन दिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया, जो वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस वो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। दीपिका मैम तो बस है ही हैं, उन्होंने भी अपना कमाल उतना ही दिखाया जितना उनको दिखाना चाहिए था। दैट्स इट। स्टोरी पर क्या कहेंगे? स्टोरी जबरदस्त, मतलब आप क्राउड मतलब भीड़ देख के लग रहा होगा आपको कि लिटरली में बहुत जबरदस्त मूवी जाने वाली है। कहानी में बहुत ज्यादा जितना भी कुछ होता है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। करेक्ट करेक्ट, डायरेक्शन टीम भी बहुत अच्छी थी इसमें और एक शाहरुख भाई की वजह से लोग इस मूवी को बहुत वॉयकॉट कर रहे थे और सबसे पहली चीज़ बोलते कि इस मूवी को कोई देखेगा तो वो पैसा पाकिस्तान में चला जाएगा, यार भाई हमारा हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? जिन लोगों ने वॉयकॉट किया था क्या, मैं उन लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि आप ऐसे ही जब कोई मूवी आया करे ना आप ऐसे ही वॉयकॉट किया करो ताकि हमारे भाई लोग भाईजान लोगों की मूवी ऐसे हिट जाया करे। अगर 10 होता तो मैं 10 देता बट 5 में से 500,000%। थैंक यू। पठान ही देख के आ रहे, पठान शाहरुख खान भी देख के आ रहे। अरे बहुत मजा आया भाई, बहुत मजा आया। सीटियां बजाया आपने?
बहुत ज्यादा, अरे बहुत ज्यादा भाई। स्टोरी पे नहीं बोलूंगा, जाकर देखो मजा आएगा। देखो अपने फैंस, अपने दोस्तों को आप क्या बोलोगे? जितनी बार देखेंगे उतनी बार कम है मेरे हिसाब से। मैं 5 से ज्यादा नहीं चाहता हूँ, 100 दे दूँ शाहरुख खान के लिए और सलमान भाई के लिए तो ज्यादा। ओके, बहुत ज्यादा एंजॉय किया इसके लिए। शाहरुख भाई लव यू, और सलमान भाई के लिए भी दिल से लव यू। थैंक यू सो मच सर। पठान कैसी लगी मूवी आप लोग? ऑसम मूवी, ऑसम मूवी। दीपिका और शाहरुख खान की केमिस्ट्री कैसी लगी? शाहरुख तो बहुत वाज मैग्नानिमस, वेरी गुड केमिस्ट्री बिटवीन देम, बहुत अच्छा लगा। शाहरुख के साथ केमिस्ट्री अच्छी होनी थी। बट आई थिंक द हाईलाइट इज जॉन आल्सो। आप लोगों ने एंजॉय किया? दोस्तों को क्या बोलेंगे? दोस्तों को बोलेंगे जाओ वापस देखो, और अगर जाओगे तो मेरे साथ में वापस आएंगे। ये शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, रोमांस की है, उन्होंने इसमें एक्शन खूब किया है, इसमें आप क्या बोलोगे? एक्शन भी है, रोमांस भी है, जैसा आपने बोला वो दीपिका पादुकोण वाला केमिस्ट्री तो वो भी है, एंड एक्शन तो भरपूर है यार। एंड आई वुड से वन थिंग, जस्ट गो एंड वॉच, यू माइट सी अ गुड हीरो इन द फिल्म आल्सो। काफी अच्छी मूवी थी, शाहरुख थे तो अच्छी तो होनी थी। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? मोर देन 5, 10, 100। यस जी, माइंड ब्लोइंग। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग थी सलमान खान की एंट्री, मतलब बियॉन्ड अमेजिंग। उसके अलावा पूछो जल्दी, सलमान खान और शाहरुख खान का जो पूरा सीन था वो सबसे अमेजिंग था। लिटरली हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए कि अभी, और हमने थिएटर में डांस किया है, थिएटर में डांस भी किया जुबी जो पठान पे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अमेजिंग दीपिका, बहुत अच्छी, सेक्सी, अमेजिंग, हॉट, हॉट, बहुत ही ज्यादा। और शाहरुख खान का फेस, जॉन अब्राहम लुक द हॉटेस्ट इन द मूवी। जॉन अब्राहम को देख के तो मतलब ये मूवी में सबसे ज्यादा देखने लायक तो वैसे जॉन अब्राहम ही था, नो डाउट। एंड आई लव शाहरुख, तो शाहरुख तो ऑब्वियस भाई, जॉन अब्राहम ने मेरी कहां हटी नजर नहीं, जॉन अब्राहम, शाहरुख खान, दीपिका, मतलब माइंड ब्लोइंग। और फिर उसके ऊपर सलमान, उसके ऊपर सलमान खान, सलमान खान की एंट्री भाई साहब की अच्छी, मजा आने वाला है। क्या अचानक ऐसा धमाल मिलने वाला है और इनके साथ वापस से कुछ और नया आने वाला है, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग, बहुत ही अमेजिंग। मूवी में दिखाया गया कि सलमान खान, ऋतिक रोशन एंड शाहरुख तीनों का साथ में भी शायद मूवी आ सकता है, यू नेवर नो। मतलब इंडियन सिनेमा में एक बहुत मल्टीवर्स, क्योंकि सलमान की एंट्री आई पता नहीं था किसी को, और अचानक से सलमान की एंट्री हुई है, मतलब कुछ और नया आने वाला है। एंट्री देख के यू गाइस विल गेट अमेज्ड, सलमान की एंट्री देखने के लिए ही ये मूवी देखना, मतलब क्या अमेजिंग है। और जॉन अब्राहम लुक द हॉटेस्ट, पूरी मूवी बहुत अच्छी है, पूरी मूवी के लिए देखना, मुंह खुला का खुला रह जाएगा पूरी मूवी में, जितनी बार भी आवाज कम पड़ेगी। मिनट के लिए आपको ना सांस लेने का टाइम नहीं मिलेगा, लाइक मूवी में सब कुछ इतनी जल्दी 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 जल्दी। गाइस जॉन अब्राहम को देख के पागल हो जाओगे। अरे 5,000 हमें तो लूट लिया सुपरस्टार शाहरुख खान ने, एंटरटेन किया है फर्स्ट डे प्यारे पठान ने। पठान ने बहुत एंटरटेन किया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के देखेंगे फिल्म भाई, और नफरत को देखेंगे दुनिया से विदाई। सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? सारी बातें अच्छी, क्योंकि शाहरुख खान और ऑडियंस दोनों का जो रैपो है बहुत प्यारा है, ऑडियंस शाहरुख खान को समझती है, शाहरुख खान ऑडियंस को समझती है। आप देखिए इस फिल्म में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक जो जो रिक्वायरमेंट फिल्म में होना चाहिए, चाहे वो वीएफएक्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे कैची सॉन्ग हो, चाहे कैची डायलॉग हो, ये मत पूछो कि देश ने हमारे लिए क्या किया, बल्कि ये कहो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। इस तरह के जो डायलॉग है, रात की स्टोरी, एक अलग दुनिया में आपको ये फिल्म मिल जाती है। और मुझे लगता है कि जो बायकॉट टीम है उनको भी ये फिल्म देखनी चाहिए, कि बायकॉट की कमाई धमाई तो होगी होगी, अगर शाहरुख खान की भी कमाई करें तो फिल्म को देखे, और देखने के बाद में थोड़ा सा महसूस करे कि यार हम किस गलत ट्रैक में जा रहे हैं। क्लाइमेक्स ऐसा लगा, बहुत बढ़िया सल्लू भाई, और ये तो ओपन करूँ के बाद शाहरुख खान और सलमान भाई ने एंट्री क्लाइमेक्स ये दिखा दिया, बता दिया आपस में कि यार सब कुछ बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए, थोड़ा सा कम्प्लीट।
भाई देखिए एज ए शाहरुख फैन मैं तो कहूँगा 5 में से 5 उंगली। बाकी आप सब देखिए, मैं क्रिटिसाइज़ इसलिए फिल्म को नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ बुराई दिखी नहीं फिल्म। अगर आप लोगों को लगता है कुछ है तो रख दीजिए। वैसे के आर के लिए कितना अच्छा काम किया, सॉरी एस आर के लिए कितना अच्छा काम किया, KRK बता ही देंगे। मुझे लगता है KRK भी पहली बार जीवन में अच्छा रिव्यू देंगे इसी फिल्म को देंगे। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि सबको देंगे, तो बहुत अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है पठान। मुझे लगता है कि एंजॉय, जबरदस्त।